और खुद का टाइम लाया, मैंने सबसे बड़ा गाना दिया शिक्षक से। ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं स्काई चेंजिंग इंस्टाग्राम वायरल रील वीडियो एडिटिंग। सो गाइस जैसा कि आप सभी ने स्टार्टिंग में देखा गाइस कि कैसे मतलब कि आजकल इंस्टाग्राम पे कितना ट्रेंड चल रहा है कि वीडियो में वो मतलब अलग तरीके स्काई एंड उसमें लाइटिंग लगा के और मतलब कि अलग ही वायरल हो रही हो वीडियोस। तो मतलब मैंने देखा और मेरे को लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मतलब ऑलरेडी पहले भी लोगों ने तो काफी वीडियो बना दिए, बट हम कैसे पीछे रह सकते, तो सोचा मैंने भी हम भी वीडियो बना ही देते। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको दो एप्लीकेशन में सिखाऊंगा, एक VN एप्लीकेशन और एक प्रीक्वल ऐप में, जो जिसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड बाकी मैं बताऊंगा आपको यूज कैसे करना है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड कंप्लीट वॉच करना, आपको इजिली समझ आ जाएगा। अगर आप सिंपली बस मतलब कि अगर आप खाली स्काई चेंज करना चाहते हो अपनी वीडियो में तो भी आप इसको देख सकते हो, और आपको लाइट ऐड करना है तो भी आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है? दोनों तरीके बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको सिर्फ स्काई चेंज करना हो तो आप वहां तक भी देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी आप पूरा देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या ताकि आप बाद में भी अगर कोई वीडियो एडिट करना चाहो तो आप मतलब उसमें कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले आज इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, गाइस आप लोग को यहाँ पे पहले VN एप्लीकेशन को यहाँ पे ना ओपन कर लेना है, ठीक है? फिर न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आप सभी को जो आपको अपनी पहली वीडियो ऐड कर लेनी है जिसमें आपको स्काई चेंज करना है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को ऐड कर लिया है। सो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे जो गाइस आपको पिक्चर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर से थर्ड वाला, तो पहले मैं इसका जो है ना वॉल्यूम वगैरह कम कर देता हूँ। अब इसमें गाइस हमें पिक्चर वाला ऑप्शन में जाना, फिर मीडिया में जाना, मीडिया में जाने के बाद जो है मैं यहाँ से एक स्काई का जो वीडियो है ये आपको ऐड कर लेना है, ठीक है? तो आप इसको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो उसको आपको इतना रखना है जितने आपके स्काई आपकी वीडियो में दिख रहा हो, बस आपको उतना ही रखना है, ठीक है? उससे ज़्यादा रखोगे तो मतलब फिर कहीं और ही स्काई दिखेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो आपको स्काई ऐड करना है, उसके बाद आप सबको दोबारा मीडिया फाइल में जाना है, वहाँ से आपको अपनी दूसरी जो अपनी वीडियो ऐड की थी ना आपको उसी वीडियो को दोबारा से ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप सभी को जब ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है? जब आप इसको ऐड कर लोगे तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे स्क्रॉल करना है, एंड आपको यहाँ पे एक फिल करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? फिल, तो आपको उसको सिंपली फिल कर देना है, एंड ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है क्रोमा की, ठीक है? तो क्रोमा की के ऑप्शन के आप जैसे क्लिक करोगे आपको सिंपली यहाँ पे स्काई को सिलेक्ट कर लेना अपनी वीडियो का, ठीक है? एंड यहाँ पे जो है गाइस आपसे ना थोड़ा मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं होगा, बट अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है तुम्हारे भाई के पास, ठीक है? तो आप लोग बस यहाँ पे देखते रहो वीडियो को, मैं बताता रहूँगा सब कुछ। तो आप देखना यहाँ पे जैसे ही मतलब कि स्काई जो मतलब ये क्या है कि वीडियो की जो क्वालिटी है ना गाइस, मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड की तो इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा मतलब कि कम हो गई है, तो इसलिए ना जो वीडियो मतलब इस सिलेक्शन है ना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो आप लोगों का जो नेचुरल फोटो मतलब जो वीडियो होगी ना उसका ये ऑटोमेटिकली मतलब सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि देख सकते हो आप, मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, इसने मतलब बहुत ज़्यादा तो सिलेक्ट कर लिया है, बट गाइस क्वालिटी कम होने के कारण ये नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो बाकी आपके जो नेचुरल कैमरे की वीडियो होगी उसको सिलेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी अभी जो ये आ रहा है एक्स्ट्रा मैं इसको भी हाइड कर दूंगा, वो कैसे करना वो बता देता हूँ आपको। जहाँ पे आप सभी को जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसको फुल कर देना, एंड जो स्पिल वाला जो ऑप्शन है इसको आपको 50 पे रहने देना, इसका कोई इतना कुछ खास काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आपको मैं चला के दिखाता हूँ थोड़ी सी वीडियो, जहाँ पे देख सकते हैं मतलब हल्का हल्का जो है नेक के पास जो मतलब एरिया आ रहा है वो अभी रिमूव हो जाएगा अभी हम जब इसको वहाँ पे प्रीक्वल ऐप में ले जाएंगे जब, ठीक है? तो अभी जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा जो स्काई वाला ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंड इसको हम यहाँ पे मार्क्स में लेके चलेंगे, एंड जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद जो है इसको हम रोटेट कर लेंगे फिर इस साइड में, ठीक है? एंड जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो आपको जो नीचे वाला जो जो पॉइंट दिख रहा है पहले आप इसको यहाँ लेना, नीचे वाला जो पॉइंट है उसको आप प्रेस करके रखना, तो ऐसे जो है यहाँ से मतलब नीचे से जो है वो मतलब कि हल्का हल्का सा जो है ओपेसिटी इसकी कम होने लगेगी, यानी कि वो स्काई के पीछे चले जाएगा, ठीक है? आपके पीछे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है मतलब एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारी जो वीडियो है मतलब एकदम अच्छा शो हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो इतना हो गया। तो अभी जो है यहाँ पे क्या करना है आप सभी को देखिए, मतलब यहाँ पे जो आपका VN एप्लीकेशन का जो भी काम था ना आपने यहाँ पे कर लिया, यानी कि स्काई वगैरह जो हमें लगाना, तो हमने लगा लिया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट हमें नहीं चाहिए ना हम उसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कट कर लेंगे, ताकि जो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है हमें, है ना? जो म्यूजिक के हिसाब से हमें तो नहीं चाहिए, तो म्यूजिक भी अगर आप चाहिए हो आपको तो आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। बाकी अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट पर जाएंगे, ऐसे डायरेक्टली सेव हो जाएगा। सो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, एंड जो VN एप्लीकेशन में काफ़ी अपडेट्स वगैरह भी आए हैं, तो मतलब अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप बता देना, तो मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी हमने इसको सेव कर लिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रीक्वल ऐप को ऐड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे सॉरी। तो ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। ओके गाइस, यहाँ पे जब आप ऐप को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है? जहाँ पे आपको मतलब कि ऊपर जो कट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली कट कर लेना, इसमें मैंने वीडियो को एक बार ऐड किया था तो वो पहले की वीडियो आ रही है। आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो आपने वीडियो अभी एक्सपोर्ट करी है आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेते हैं, एंड इसको ऐड करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ से आप जैसे ही ऐड करोगे
तो आपको जो यहाँ पे नीचे एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा कोने में सबसे, तो आपको सिंपली इसके ऊपर टाइप करना है एंड यहाँ पे आपसे भी कुछ टाइप करना है स्टेलर, ठीक है, STELLR, ठीक है, स्टेलर आपको सर्च करना है एंड उसके बाद आपको ये वाला एक फिल्टर आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये जो फर्स्ट वाला फिल्टर है, आप इस पे से कोई सा फिल्टर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, बाकी मैं तो यहाँ फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें जो मतलब लाइटिंग वगैरह ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, तो मैं फर्स्ट वाला ले लूँगा। सो ये हम फर्स्ट वाला लेंगे एंड इसमें थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है यार ये ऐप ना, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो आप डाटा वगैरह सब कुछ ऑन रखना, ठीक है। तो आपका नेटवर्क वगैरह अगर सही होगा तो ये इतना टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कितना अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है एंड वीडियो में लाइटिंग वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आपको इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर थोड़ा सा क्लिक करोगे तो लोडिंग वगैरह लेगा, उसके बाद ही आपको जो है वहाँ पर पहुँचा देगा जहाँ पे मतलब जो सेव करने वाला जो सिस्टम है वहाँ पे। तो आप राइट पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन मतलब आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो बाकी इसमें थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं पहले वो कर लेता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे इस सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम इसका थोड़ा सा पहले एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करेंगे एंड ये जो तीन चार पाँच यहाँ पे जो ऑप्शन हैं आप इनको छेड़ के आप जो भी मतलब जैसी सेटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी गाइस, तो आशा करता हूँ और आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे फॉलो जरूर करना। बाकी चले मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।